गाइस यू हमारा ट्वेल है और यू कुंडिया आते खेतन में पानी भरा है। भाई फसल खराब होगी जो कि कुछ सो हे वेलकम गाइस सरदाना जी ब्लॉग। तो उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई मैं जा रहा हूँ अपने खेत पे। हमने दो तीन दिन पहले जो खेत में पानी लगाया तो देखने के लिए जा रहा हूँ वो भी सूखो या नहीं सूखो, क्योंकि सूखने के बाद उनमें फिर गेहूँ बोया जाएगा। तो फिलहाल अभी खेतन पर जा रहा हूँ। ये जो खेत है ये साइड में आप मेरे पीछे दिख रहे होंगे, तो ये बूके तैयार हो गए और अब मैं अपने खेत पर पहुँचने वाला हूँ। गाइज मैं अपने खेत पर पहुँच गया हूँ। तो अभी यहाँ दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है बू गो या बोने लायक हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हमें बढ़ के देखेंगे कि है या नो। चल आगे चल। अभी नो है बोने लायक दो तीन दिन में आएगा जब धूप डाउन पे लग जाएगी हमें। गाइज मतलब अभी वो खेत बोने के लिए तैयार ना हुआ, अभी यहाँ मैं दो तीन दिन का वक्त और लगेगा। तो आइए मैं आप अपना कोठरा दिखाता हूँ। गाइज यू हमारा ट्वेल है और यू कुंडिया आते खेतन में पानी भरा है जो इंजन है आके अंदर रखा हुआ। और यू हमारा कोठरा जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कोठरा दिखाऊँगा। और ये खेत है हमारे कोठरा के साइड में ही है। तो अभी जो मैं दूसरे खेत पर जा रहा हूँ, हम बाजरा बूरा वो अभी कटो नहीं है तो उसे देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हम दूसरे खेत पर आ गए जहाँ पर हमने बाजरा बो रखा। तो अभी हम यहाँ में देखेंगे कि मतलब फसल कैसी हुई है हमारी, बाजरे की अभी कटी नहीं है। तो यू हमारे बाजरे का खेत है, हम मतलब भाई फसल ख़राब होगी जो कि कुछ गाय बिझारन ने तोड़ दिया और कुछ हुई ना। तो मतलब इतनी अच्छी खासी फसल न हुई है हमारी। तो गाइज यहाँ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो और लाइक ब्लॉग को लाइक कर देना। और भाई मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ।